हाँ कैसे कैप्चर हो रहा है, मैं तो जस्ट नॉर्मल तो आप आगे गई नहीं तो बोला इतना अल्टीमेट तो हमारे लेवल तक कम करूँ। अरे ये लाइट रेड हो गया, भागो भागो भागो। टी मोबाइल का इंटरनेट टी वी जो भी कनेक्शन देना, मेरा इंटरनेट भी टी मोबाइल का है। जैक एंड जॉन्स डिवाइस यहीं पे सारा शॉपिंग, सैटरडे मार्केट जो यहाँ पे ट्यूसडे में होता है। ओके मन है कि आप बाहर बैठो इवन विंटर के टाइम, और ऐसे लाल लाइट जलेगा या आग जलेगा, हीट आएगा मस्त, तो बाहर आप बैठ सकते हो, मतलब इतना भी ठंड नहीं होगा। नहीं कि आराम से, क्योंकि अभी टेम्परेचर 11 बज रहा है, बहुत सही टेम्परेचर है। मतलब जैसे ये हुआ अभी यहाँ पे चेंजेस ही आ रहे हैं, मतलब सपोज एक बार ये स्ट्रीट आ गया, कैथीड्रल आ गया, या तो मेरे हिसाब से 20-25 मिनट फिर भी ठीक है। मतलब क्योंकि लाइन तो ऐसे ही है, मतलब लोग जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, हाँ नहीं 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 मैं बोल रहा हूँ वो लाइन लाइन हैप्पी टेल वेरी पॉपुलर वही है। मतलब बड़े शहर में ये सब चीज़, या फिर स्टूडेंट सिटी है तो ये सब चीज़ भरा भरा होते हैं। और इसका जैज़ बार, इसका स्टार्टम का इनकी स्टार्टम लाइन होता है, बहुत फेमस है, लोग आते हैं बहुत दूर से कभी कभी। हाँ क्योंकि रात को ये यहाँ पे कुछ बेच रहे हैं क्या आज? वो कुछ शायद एंटीक कैसे कुछ, क्यों मार्केट में भी ऐसे रहता है, मतलब पुराने पुराने कोई जग मग ऐसे कुछ, मतलब होम यूज या फिर कोई बहुत ही पुराना। अच्छा क्या दिन है, क्योंकि एक बार अंधेरा हो जाएगा और गोप्रो में अंधेरे में तो बाहर का लाइट जलेगा, मतलब गोप्रो का नॉट गुड फॉर डार्कनेस। फिर भी अभी मैं इसको ये किया हूँ, क्या बोलते हैं वो ISO को कम किया हूँ, ये फ्लिकर ना हो ज़्यादा, जैसे वो अंदर गए ना अंदर फ्लिकर होता रहता है, डीप डार्क लाइट डार्क लाइट। ये स्टार्टम लाइन है पूरा। ओके ये रात के टाइम पे पूरा एक्टिव हो जाएगा, ये पूरा स्टार्टम लाइन है, पब्स हाँ बार गाना पूरा एक्टिव पूरा, ये पूरा अभी जो पूरा खाली दिख रहा है ना, और 3 घंटे के 4 घंटे के बाद पूरा भरी भरी दिख रहा है। सब एक एक पाव ओके कारोबार, ये डोनर शोरमा डोनर ये हमें सब खर्चा करना पड़ेगा, कुछ मतलब कुछ नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा क्यों शॉर्ट्स मिसलीडिंग हो जा रहा है, आगे पीछे चलते हैं फिर। ओके अभी आगे कुछ नहीं है, यही कंटिन्यू रहा है चीज़ नहीं, आगे आगे पीछे पीछे जाएंगे, यहाँ पे इस साइड तो को और मिलेगा बाहर पब्स। सब बढ़िया है, इसको ज़्यादा एडिट नहीं करना है। मतलब जैसे ये हुआ अभी यहाँ पे चेंजेस ही आ रहे हैं, मतलब सपोज एक बार ये स्ट्रीट आ गया, कैथीड्रल आ गया, या तो मेरे हिसाब से 20-25 मिनट फिर भी ठीक है। मतलब और अगर सेम चीज़ दिखा रहे हो, और मैंने इस बार जो सैटरडे में आइंडोवन में सेंटर दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये थोड़ा 70% वाला पार्ट, ये 30% इसके पीछे वाला पार्ट है जो अंदर बहुत डीप है। ओके तो ये थोड़ा जान मतलब लाइवली पार्ट है, वो थोड़ा डिम वाला पार्ट है, इतना मतलब लोग इतना मतलब इतना हसल बसल नहीं है, हसल बसल नहीं है यहाँ पे, थोड़ा हसल बसल जैसे लगता है ना, लोग चल रहे हैं, हाँ हाँ सिटी लाइफ लग रहा है। और ये अभी मतलब सैटरडे अराउंड 5:30 इन द इवनिंग, हाँ हम जो एरिया फेब्रुअरी मंथ ऑफ फेब्रुअरी, क्लाइमेट अच्छा और हाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा, मतलब एटलीस्ट 10 डिग्री से ऊपर है बोल के, नहीं तो हुड फुट डाल के ग्लव्स पहन के हाथ पाथ, मतलब
पियानो फिर से वीड वाला एरिया में जाते हैं। ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया अभी ओके जो भी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट इटालियन रेस्टोरेंट हाँ, और ये भी है क्या? ये भी होगा शायद वॉक फॉक या नहीं है यहाँ पे ऐसा वॉक या उसके अंदर होगा शायद। हम लोग एक्चुअली सब होटल रेस्टोरेंट में एक बार तो फिर नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। नहीं एक जगह था, मुझे जगह एग्जैक्टली याद नहीं है। एक बार मैं स्टेशन से जस्ट भाग के ऐसे क्रॉस करके गया, कौन सा एग्जिट था मुझे याद नहीं है, क्रॉस किया और जस्ट ऑपोजिट में ऐसे क्रॉस करने के बाद एक वॉक था बड़ा सा और बहुत फेमस है और बहुत सस्ता था, मुझे उसका नाम याद नहीं है। वहाँ पे जो चीज़ मुझे 5 या 5.5 यूरो मिला था वो चीज़ मैं जहाँ पे रहता हूँ जो कि एक सस्ता जगह साउथ में वहाँ पे मिलता है 8.5 में और टेस्ट बहुत अच्छा था। वो चाइनीज़ ही लेके गया था, मुझे बोला कि एंडोवन का बहुत फेमस है। मैं भी वो साउथ हम लोग अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कौन सा साइड मुझे पता नहीं बट एक साइड में था। उनको थोड़ा इनक्रेडिबल कॉम्पिटिशन हम लोग आगे चले सिटी फैशन पूरा रेस्टोरेंट एरिया था। अभी किचन रेस्टोरेंट एरिया आ रहा है, भरपूर रेस्टोरेंट आ गया है। क्लासी रेस्टोरेंट्स है, सस्ता वाला रेस्टोरेंट्स है, अफोर्डेबल है, सब लेवल का मिक्स है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कौन सा है? इंडोनेशियन मैकडॉनल्ड्स डिपेंड करता है कि क्या डोनर तो सबके सबसे सस्ता बट अगर तुमको चिकन खाना है हाँ हाँ या फिर वेजिटेरियन में भी ओट भी तो अच्छा होता है वो जो फलाफल हाँ जो ग्रीन वाला है वो मूंग का या कौन सा होता है चने का। फलाफल में मैं खाया नहीं हूँ बट हाँ नहीं वो वाला मैं खाया हूँ जो बॉल्स आते हैं फलाफल के वो अच्छे होते हैं। मतलब वेजिटेरियन फाइव गाइस ओके बट अच्छा है एंबियंस वाइज। ये कैसीनो अगर जाना है आपको हॉलैंड कैसीनो तो हर जगह मिलेगा हॉलैंड कैसीनो। ये शायद पेड वाला है क्योंकि पेड वाला में कभी जाना नहीं है, वो फ्री कभी मिल गया लक था तो। यहाँ पे बहुत चेयर्स हुआ करता था, ये लोग हटा दिया अभी। ये तो यहाँ पे कॉमन है कि आप बाहर बैठो इवन विंटर के टाइम और ऐसे लाल लाइट जलेगा या आग जलेगा हीट आएगा मस्त तो बाहर आप बैठ सकते हो, मतलब इतना भी ठंड नहीं होगा नहीं कि आराम से क्योंकि अभी टेम्परेचर 11 बजे हाँ हम बहुत सही टेम्परेचर है एक्चुअली घूमने के लिए। ये जो लाल लाइट मैं बोल रहा था ये लाल लाइट चलते हैं राइट साइड थोड़ा क्योंकि राइट साइड जाने से मूवी हॉल वगैरह दिखेगा। हाँ पाथे हाँ पाथे का शायद मैं एक वीडियो बनाया था डाला नहीं अब तक, एक बार डाल दूंगा। वो वही नॉर्मल मूवी हॉल है, प्राइसेस कितने रहते हैं वो बता दूंगा तो आपको पता है। हाँ स्टूडेंट कार्ड में कभी कभी 1-1.5 यूरो डिस्काउंट हो जाता है डिस्काउंट के बाद 8 यूरो। हाँ 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 नहीं तो आपको अगर मतलब रियल में मूवी बहुत देखना है तो 20-25 यूरो का पास बनाओ नहीं तो मूवी फ्रिक नहीं हो नॉर्मल देखना तो पास से जा सकते हो यूट्यूब से डाउनलोड करो देखो थोड़ा वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे टॉरेंट भी लीगल है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर भी बहुत लोग डरते हैं बट इट्स अप टू यू बट मैं तो यूज़ करता हूँ 5 साल हो गया तो इतना कुछ है नहीं आराम से यूज़ करो मस्त यूज़ करो कोई कुछ बोलता नहीं और अगर ज़्यादा ही है तो VPN यूज़ कर दो और क्या कर रहे हो सिग्नल बाउंस। ये हम क्रॉस करके गए थे या और एक शोरमा शॉप है इधर राइट साइड पूरा अलग है हम लोग जो भी स्ट्रीट में जा रहे हैं कभी तो ये आपको हर स्ट्रीट में एक एक मिलेगा कि पिज़्ज़ा शोरमा और डोनर मतलब डोनर जो भी उसको बोल सकते हैं। हम लोग जो भी स्ट्रीट में अभी गए हैं कभी भी नहीं गए नहीं ये तो नहीं गए थे अभी याद है क्योंकि वो वहाँ पे एक था हॉलैंड कैसीनो ये और एक फेयर प्ले कैसीनो हम लोग पूरा नया जगह में पैसे उड़ाने आ जाओ यहाँ पे खाली पैसा होना चाहिए। ये कैसा है ये टोनीज ओरिएंटल फूड ये एक बार खाया था मतलब एक्सपेंसिव या मतलब अफोर्डेबल बोल नहीं सकता हूँ लेकिन बिटवीन अफोर्डेबल एंड एक्सपेंसिव। और यहाँ पे साइड में ATM है ING का अगर पैसा उठाना है जनरली सब तो डिजिटल चलता है तो फेयर प्ले कैसीनो के आगे ATM होना चाहिए। हाँ वो बात ही सही है हम
लोग सीधा आते हैं, थोड़ा पैसे दिखा के लेते हैं। हाँ, बाइक्स बाइक्स तो हर टाइम हम बोलते हैं, बाइक्स मतलब कॉमन ही है। बाइक्स आर द किंग ऑफ रोड्स। मूवीज, रेस्टोरेंट एंड बार। रात धीरे धीरे हो रहा है, उससे पहले हम वीडियो को निपटाते हैं। आईमैक्स 4D पाथे, पाथे तो मतलब मेन मूवी चेन नेदरलैंड्स का। पर यहाँ पे लगता होगा शायद, मास्टर्स में तो लगता है हिंदी मूवी। हाँ, यहाँ पे लगता है। हाँ, क्योंकि मेनली एम्स्टरडैम इधर ना, बड़े बड़े सिटीज़ में होते रहते हैं हमेशा हिंदी मूवीज़। अभी हम लोग पूरा सेंट्रल ग्राउंड घूम चुके हैं, अभी क्या जाना, कोई जाना है अभी नहीं, और कुछ नहीं है। 6-8 को था सर ट्रेन, सामने ही है स्टेशन, मतलब एक राउंड ऐसा पूरा घूम के। ओके, ये कैसा है? ये शायद एक्सपेंसिव है, देख से लग रहा है। सिजलिंग रेस्टोरेंट, मतलब डेट फेट की तरह। इधर आके डेट में जाना। स्पेनिश तपास 22.5 यूरो। ऐसे स्ट्रीट साइड ईटिंग शॉप बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ये शायद थोड़ा हाई एंड जापानीज लग रहा है, पता चल जाता है वो एम्बियंस। और यहाँ पे कॉमन है, आप देख रहे होंगे कि बाहर सब लोग आग जल रहा है बैठ रहे हैं। इट्स वेरी कॉमन इन विंटर आल्सो। अरे यहीं पे ही कहीं था, ये है ना, कौन सा वो जो रेड कलर शायद यहीं पे ही था, मुझे याद है। स्टेशन कहाँ पे, स्टेशन वहाँ पे जाना है ना, तो हम वहाँ से ऐसे क्रॉस करके आए थे, तो यहीं पे कहीं था शायद, पता नहीं कौन सा। और रेड वाले भी कोई फूड का ये है क्या? कॉफी शॉप एंड फूड है, कॉफी एंड फूड तो हो सकता है वहाँ पे, मैं श्योर नहीं। और यहीं पे कहीं था, मैं वही एक ही जगह एंडोवन में आया था और कभी कहीं आया नहीं। स्टूडेंट होटल है ये वाला। हाँ, मतलब हॉस्टल टाइप है क्या? हाँ, हॉस्टल टाइप का है, जैसे अमाउंट भी सही रहता है, लूना से कम रहता है। ओके, जो दिखाए थे यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ हाँ, वो मतलब कोई परमानेंट, ये टेम्पोररी स्टे नहीं है, बहुत दिन के लिए भी लोग रह सकते हैं। हाँ, मतलब इफ़ यू आर स्टूडेंट। एक साल, लेकिन लूना अरोरा में बहुत टाइम के लिए रह सकते हैं। सपोज लूना में कितना, 600 के करीब था ना लूना? लूना में 700 जो वाइट वाला पीछे दिखाया था। और ये वाला, ये वाला 600। ओके, तो ये दोनों के बीच में है मतलब। ये क्या है, ये भी वही कोई एक हाई एंड, बट ये बहुत ऊंचा है। हाँ, पहले हम लोग उधर गए थे, मतलब सिटी का बोलता हूँ, पहले हम पीछे से निकले थे। हाँ, जो नॉर्थ और यूनिवर्सिटी साइड, हम लोग नॉर्थ से निकले, जो सेंटर का पिछला वाला पार्ट है, जो 30% वाला पार्ट। बस देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो इंग्लिश में सबटाइटल भी डालेंगे, ताकि इंग्लिश सब्सक्राइबर जो सबसे ज़्यादा हैं वो समझ पाएँ। और ये है अभिजीत बेहरा, सेकेंड ईयर मास्टर्स, सेकेंड ईयर मास्टर्स TU एंडोवन में। इसका वो फेसबुक जो ग्रुप है उसमें आपने देखा होगा, एक दो बार इसने रिप्लाई दिया है बहुत बार। और मेटा क्या टॉपिक में हो रहा है, ऑटोमोटिव। तो इसके साथ एक बार इंटरव्यू करेंगे कभी टाइम मिलेगा तो, मतलब मैं बाद में आऊँगा, इसका फ्री होगा मेरा फ्री होगा, तो पता नहीं वो वीडियो पहले आएगा कि ये वीडियो पहले आएगा, वो डिपेंड करता है, बट देखेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन आई एम संबित, आई डू ऑल दिस वीडियोज इन स्टडिंग एंड लिविंग इन नेदरलैंड्स एंड यूरोप। एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाद में फिर मिलते हैं, टिल देन बाय।